हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। सो दोस्तों, अभी शाम का 4 बज रहा है और भैया चले गए हैं खेत तरफ और अभी हम और माँ जाएंगे। माँ नहीं गए हुए हैं तो अभी बर्तन वगैरह धोना था तो हम बर्तन वगैरह सारा कुछ धो लिए। तो चलिए पैर हाथ धोएंगे और फिर चलेंगे खेत तरफ। और दोस्तों, हम धो धा के पूरा रेडी हो गए हैं तो चलिए अब चलते हैं खेत तरफ। और दोस्तों, अभी हम घर से निकल चुके हैं और देखिए इधर का नज़ारा काफ़ी मस्त लग रहा है। और देखिए अभी शाम होने चला है, देखिए बारी में कितना मस्त झिंगी लगाया हुआ है, पूरा झाक दिया हुआ है। देखिए झाक वाला ना काफ़ी मस्त लगता है, देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है पूरा। उधर कौन कौन है रोप रहे हैं तो चलिए अब सीधे चलते हैं खेत तरफ। और ये देखिए इधर लगाया हुआ है भिंडी है और उधर है देख सकते हैं मक्के वगैरह है। काफ़ी मस्त लग रहा है दिखने में, पूरा हरा भरा नज़र आ रहा है इधर, पूरा जहाँ से देखिएगा पूरा हरा भरा नज़र आएगा। ये देखिए काफ़ी मस्त है और ये साइड भी है देख सकते हैं पूरा है एकदम। ये देखिए ये सब है क्या बोल गामहर छुट्टी बोला जाता है वो सब, काफ़ी मस्त लग रहा है देखने में। और ये है रास्ता इधर का, यहाँ पे ढलाई हो गया है, पिची सी बन गया पूरा, पूरा तक नहीं बना है, वो घर दिख रहा है उतना तक बना हुआ है। और दोस्तों, ये वाला है हमारा बड़ी माँ का घर है, इसी पे दो जानवर थे वो दोनों चावल खाए हुए थे, इसी पे रखा हुआ था इसी घर में और मर गए दोनों जानवर, नहीं बचे, बहुत ही अफसोस लग रहा था। चलिए अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, मर गए तो क्या कर सकते हैं, चावल यहीं पे एक ही रूम में सारा कुछ रखते हैं। दो रूम है तो एक रूम में बड़े पापा माँ रहती है बड़े माँ और एक रूम में जानवर सब रहते थे, तो चावल वावल खा के और मर गए। नहीं क्योंकि उन लोग खाते हैं ना तो उन लोग जितना सकते हैं उतना खाते हैं तो इसी कारण मतलब नहीं पचा पाते हैं, उन लोग का अंदाज नहीं रहता कि कितना सा खाना चाहिए था सो। और ये देखिए इधर का नज़ारा और भी मस्त है पूरा, देखिए यहाँ पे भी भिंडी लगा हुआ है पूरा बड़ा बड़ा, ये सब हो गया है देख सकते हैं। और कुछ देर है मतलब और कुछ दूर है हमारा खेत, पहुँच जाएंगे तो चलिए चलते हैं। और अभी खेत हम पहुँच गए हैं और ये देखिए खेत का हम लोग का नज़ारा काफ़ी मस्त है पूरा, ये कच्चू सब इतना ही मस्त दिखता है ना पूरा, इसको देखने का ही मन करता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए माँ हम उससे पहले आ गई, हमको बोले हुए थे पहले कि जाएंगे एक ही साथ और निकल गए पहले ही माँ, हम धोने लगे तभी चूल्हा वाला जराएगी तो हाँ जाएगी मतलब हम नहीं बोले हुए थे कि हम भी जाएंगे खेत से, तो इसलिए माँ हमको नहीं चलाए हुए हाँ, नहीं चलाए हाँ। चूल्हा धराएगी बोले कि खेत जाना है बट हम तभी कुछ नहीं बोले क्योंकि बर्तन धो रहे थे ना हाँ। तो नहीं बोले, उसके बाद फिर हम धोने के लिए चल गए पेरा, तभी फिर माँ अकेले निकल गए, हमको लगा वो घर तरफ गए हुए हैं पर वो घर तरफ नहीं गए हुए हैं, सीधा खेत आ गए, तो आज हम अकेले आ गए हैं खेत तरफ। और ये देखिए पूरा मस्त लग रहा है और अबर तो बोदी सब नहीं निकलने लगा हाँ, थोड़ा मोड़ा निकलेगा हाँ। और अभी वहाँ पे कोरना है हाँ, कोरना है तो मतलब हम लोग तो भैया वाला वीडियो में देखे होंगे, हम लोग कोड़ ली हैं भिंडी का मतलब मिट्टी गिरा ली है और बस चढ़ाना है, अगर मिट्टी चढ़ाया जाता है तो वही मिट्टी को भी चढ़ाना होगा। और यहाँ पे देखिए पानी पूरा एकदम पटा दिए, कच्चू में पानी पूरा डाल दिए, देखिए काफ़ी मस्त लग रहा है। यहाँ पे डेली डेली यहाँ पे डालना होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होता है ना तो पूरा जल्दी सूख जाता है। और ये देखिए ये पापा भी कोड़ रहे हैं, इधर पहले का कोड़ा हुआ है तो बारिश में पूरा जम लग गया तो इधर फिर से कोड़ रहे हैं, कोड़ के माटी उठाएंगे हाँ। और भैया अभी किधर चल गए ना, यहाँ से वहाँ तक करना है, दो पार्टी है ना तीन चार पार्टी मतलब सब करना है हाँ, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा करना। और हम लोग यहाँ पे सुबह किए हुए थे, चार पांच पार्टी किए हुए थे यहाँ पे, सुबह किया है तो इधर हाँ। सभी बहुत अभी मरा नहीं है देखिए घास सब, लेकिन बहुत मर गया, बहुत ज़्यादा धूप दिया था ना हाँ। देखिए पूरा वहाँ से है, वहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बहुत ही लंबा है ये वाला बारी। तो चलिए दोस्तों थोड़ा मोड़ा हम भी कोड़ देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है कोड़ने में क्योंकि इधर घास नहीं है ना उसमें, उधर बहुत ज़्यादा घास था इधर नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कोड़ने में, पूरा हार्ड है ना मतलब आँच नहीं लगता है कोड़ने में, हार्ड नहीं लगता है पूरा मस्त है, पूरा कोड़ाता है मस्त। चलिए कोड़ते हैं जल्दी जल्दी। और दोस्तों अभी आधा कोड़ के और माँ और हम बैठ गए क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसी तरह हम भी थक जाते हैं, हमको भी उतना कोड़ना आता है कोड़ने के लिए बट नहीं सकते हैं ज़्यादा कोड़ने के लिए, तो अभी थोड़ा सा कोड़े हैं। अरे देखिए पापा अभी कोड़ रहे हैं और भैया तो चले गए हैं नदी तरफ, तो अभी आएंगे और अभी पूरा
4:30 से भी ज़्यादा हो चुका, मतलब 4:45 बजने वाला है, लेकिन पूरा ही बहुत ही ज़्यादा धूप, अभी भी धूप लग रहा पूरा। आज तो पूरा दिन भर इतना धूप है ना, पूरा गात पूरा मतलब पूरा शरीर पूरा लहर रहा था, पूरा एकदम जलन दे रहा था। जरा सा भी हवा भी चलाते थे पंखा का, लेकिन वो भी पूरा गर्म हवा दे रहा था बहुत ज़्यादा, और अभी भी पसीना पसीना हो रहे हैं पूरा, और हवा थोड़ा थोड़ा चल रहा है। हाँ, अब हवा चलाना शुरू कर दिया है, पहले से तो पूरा धूपे धूप है। और दोस्तों आज हमको अकेले वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि वो घर चले गए हैं उसी दिन आए, और भैया का छेका था ना, तो बस आए और भैया का छेका था तो उसी दिन रात में चले गए थे घर, 8 बजे लगभग घर चले गए थे, और फ़ोन हमको दे रखे और बोल दिए तुमको तुम यहाँ पर रहेगी तो तुम अब यहीं पर वीडियो बनाना। थोड़ा गुस्सा में, मतलब कि आप लोग कमेंट करते कि गुस्सा में थे, बट गुस्सा में तो नहीं थे, क्योंकि ऐसा ही नहीं है अब। हाँ, ऐसा किसी का साथ में भी होता है, लेकिन हम लोग साथ नहीं हुआ था, कुछ ऐसा नहीं हुआ था, लड़ाई वड़ाई ऐसा नहीं करते हम लोग। थोड़ा मोड़ा सबका साथ ऐसा होता है, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ लड़ाई वगैरह नहीं किए थे, बस ऐसे ही हाँ ऐसे ही चले गए घर। वो बोले कि नहीं हम नहीं रहेंगे, घर जाएंगे, घर में मेरा काम है, इसीलिए चले गए, और फ़ोन हमको दे रखे हैं, तो आज हम अकेले वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए अभी खेत तरफ आए हुए हैं, बर्तन वगैरह धो लिए, और सोचे जाएंगे खेत तरफ तब घूर के आएंगे। और भैया कब आएगा, अब कब आएंगे वो तो पता नहीं है हमको, हाँ क्योंकि कॉल करेंगे तब ना। हाँ, कॉल किए हुए थे तो बोले कि गई है तो 2-4 दिन रुक लो, काहे आएगी इतना जल्दी, तो जाएंगे, ऐसा बात नहीं है, वहाँ पे भी जाएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पे काम नहीं है, और माँ का थोड़ा ज़्यादा मतलब माँ का थोड़ा तबीयत ख़राब है, इसलिए इसीलिए बुलाए हैं हम, तबीयत ख़राब हो गया इसलिए। और वहाँ पे भी अगर जैसे कि बारिश वगैरह होगा तभी वहाँ पे बुनेंगे हम लोग, क्या मकई और क्या बुना था, लाहर बादाम यही सब, तो बादाम वहाँ पे नहीं बुनते हैं, माँ को वहाँ पे पूछ रहे थे तो माँ बोले कि बादाम नहीं हम लोग लगाते, बस लाहर और मकई, तो अभी मकई का जैसे कि बुनने वाला सीजन अभी नहीं है, आया हुआ बट पानी ही नहीं दे रहा है, बारिश नहीं हो रहा है। लाहर नहीं बुने तो अब सोचते हैं इन साल जो लाहर बुनेंगे तो अब देखते हैं बुनने सकते हैं कि नहीं सकते हैं। हाँ, जितना करने सकेगा उतना ही करना है। और दोस्तों अब हम चलेंगे घर, एक पार्टी कोड़ लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम जो चला, और माँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हाँ भैया नदी तरफ गए हुए, तो चलिए भैया आएंगे, उसके बाद भैया और माँ जाएंगे, हम तो जा रहे हैं घर, क्योंकि अभी हमको खाना वगैरह बनाना होगा घर जाके, तो चलिए अब हम चलते हैं घर। और दोस्तों अभी हम घर आ गए हैं, तो चलिए पहले खेत तरफ से आए तो पैर हाथ धो लेंगे, और ये देखिए यहाँ पर डब्बा रखा हुआ है तो पानी लाना है, चलिए चलते हैं कुआँ। और ये देखिए यहाँ पर अन्नू देवी आग जला रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, जल भी नहीं रहा है, कैसे जला है कोयला, नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है, थोड़ा थोड़ा देखिए जल रहा है, देखिए अच्छा से जलाइए फिर से, नहीं अंदर तरफ से छेड़ में कुछ दीजिए, मतलब बानी ठो गिरा दीजिए, हो जाएगा। चलिए अब हम जाते हैं पहले पानी लाएंगे, कुआं आ गए, चलिए डब्बा यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे डोल डोरा नहीं है तो गुड़ी दी के पास से लाना होगा, चलिए चलते हैं गुड़ी दी के पास। ये देखिए गुड़ी दी का घर पूरा दिखाते हैं आप लोग का, ये क्या क्या घर है, किसका किसका है, बड़ी माँ का घर है, 2 बड़ी माँ है, तो ये छोटी बड़ी माँ का घर है, छोटी बड़ी माँ, और ये दीदी है, गुड़ी दी है, ये अभी चावल बन रहा है गुड़ी दी का, ये देखिए बन भी गया, ये क्या आलू है, आलू और भिंडी मस्त सब्जी है। अरे देखिए हम लोग इधर कितना पतला पतला लकड़ी में जलाते हैं, ये देखिए, और वहाँ पे तो पूरा मोटा मोटा लकड़ी रहता है, देख के छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग का पूरा एकदम खाड़ी वगैरह से जलाते हैं, सरसा खाड़ी होगा, भिंडी खाड़ी, वही सब से यहाँ पे जलाते हैं, तो बाल्टी लेने के लिए आए हुए पानी यहाँ पे भरा हुआ है, तो ये डब्बा में रखना होगा, चलिए लेके चलते हैं। बाल्टी को खाली कर दिए, पानी को वहाँ पे रख दिए तसला में, चलिए लेके चलते हैं, भरेंगे और चलेंगे घर। और ये देखिए मेहंदी का फूल और फल दोनों यहाँ पे फरा हुआ, देखिए फूल भी मस्त, अब झड़ गया अब ज़्यादा नहीं है, और देखिए इधर पूरा फरा हुआ है, दाना दाना रहता है, और बहुत ही बड़ा हो गया, हम ही लोग का लगाया हुआ था, हम ही लगाए हुए थे, ये देखिए पूरा हम लोग लाए थे और लगाने के लिए बोले हुए थे, काफ़ी मस्त लग रहा है, और ये पूरा बढ़ गया है, चलिए जल्दी भेजते हैं और चलेंगे डब्बा में भर के। तो चलिए दोस्तों पानी उठाते हैं,
और ये देखिए बहुत ज़्यादा सोख गया है, पर पानी पूरा एकदम अंदर चल गया है। बारिश हो गया फिर बहुत जाएगा, जल्दी भर भी जाता है। और एक बाल्टी उठाना होगा, दो बाल्टी में भर जाता है। पानी भर लिए डब्बा में, चलिए उठाते हैं चलते हैं। इसका टांगने वाला नहीं है, टूट गया है तो माथा में लेके चलेंगे। चलिए, और अभी पूरा शाम भी हो गया है, और ये देखिए कोयला जलाए हुए थे तो जल भी गया है, तो अब अधन देना होगा। और अभी पानी लेके आ गए हैं तो चलिए रखते हैं। रख दिए, अब चलिए अधन देते हैं। आग भी जल गया क्योंकि आग जला दिए थे, तो चलिए अब अधन देना होगा। अधन कर लिए हैं, चलिए अब चूल्हा में चपा देते हैं। चूल्हा में चपा दिए, अब पानी गर्म होगा, उसके बाद चावल डालना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।